फाइनली प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष थिएटर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर पहले भी विवाद हुआ था और अब रिलीज के बाद नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। यूं तो आदि पुरुष को लेकर लोगों के बीच खूब बस देखने को मिला, लेकिन अब दो टाइप के रिएक्शन आ रहे हैं। किसी को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो कोई इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इसी बीच एक न्यूज सामने आ रही है कि आदि पुरुष पर हिंदू सेना ने लीगल एक्शन ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल हिंदू सेना ने ऐसा आरोप लगाया है कि फिल्म में भगवान राम को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। हिंदू सेना ने ये मांग की है कि फिल्म को बैन किया जाए और सेंसर बोर्ड इसे अभी के अभी रोक दे और इनका सेंसर सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दे। हिंदू सेना के अकॉर्डिंग रामायण का अपमान किया गया है मूवी में। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि आदि पुरुष को एक मॉडर्न रामायण की तरह देखा जाए ताकि यंग जनरेशन इसे इंटरेस्ट के साथ देख सके। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी एक PIL फाइल की गई है कि मूवी से कुछ सीन्स निकाले जाए। वहीं तेलंगाना में लोगों को ये मूवी खूब पसंद आ रही है, लोग जश्न की तरह इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये फिल्म नए रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन अब फिल्म को लेकर शुरू इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए ये फिल्म क्या कमाल करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या आपने आदि पुरुष देखी है? कैसी लगी आपको? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।